दिखाते हैं लॉकडाउन के बीच वो तस्वीर जिसका इंतजार कई लोग करीब 1.5 महीने से कर रहे हैं और हरियाणा के गुरुग्राम में लॉकडाउन में थोड़ी रियायत के बाद सैलून खोल दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पीपीई किट पहनकर यहां सैलून में काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ इजाजत मिलने के बाद कुछ इस नए अंदाज में सैलून खुले हैं। ये जो कर्मचारी हैं सैलून में जो काम करते हैं, बकायदा इन लोगों ने पीपीई किट पहन रखी है, फिर लोगों के बाल काट रहे हैं या मसाज कर रहे हैं। सैलून संचालक की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि सैलून के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों को फॉलो किया जा रहा है। कर्मचारी पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क पहनकर काम करते हैं ताकि किसी तरह के भी कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। ग्राहक के उठने के बाद सैलून को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। इतना ही नहीं, सैलून में आने वाले ग्राहकों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें डिस्पोजेबल टॉवल, डिस्पोजेबल कटिंग किट और डिस्पोजेबल वैक्सीन किट का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने पीपी किट यूज़ किया हुआ है, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयों को भी किसी तरीके से काम करने में डर ना हो। हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमने जब सैलून ओपन किया है तो पूरा सैलून डिसइंफेक्ट किया है। हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार पूरे सैलून को, पूरे फ्लोर को, जिससे लोगों में किसी तरीके का डर ना हो। कस्टमर के लिए हम लोगों ने डिस्पोजेबल टॉवल, डिस्पोजेबल कटिंग शीट और ये सब काफ़ी चीज़ें, डिस्पोजेबल वैक्सीन किट, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कस्टमर को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।